सब्सक्राइब कीजिए वीआर इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज विजय और आप लोग देख रहे हैं वीआर इकोनॉमिक्स। और इस वाले वीआर इकोनॉमिक्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम पार्ट टू के बारे में, मतलब कि मार्केट इक्विलिब्रियम पार्ट वन पहले से आ चुका है, तो उसको देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इधर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अच्छा, तो मेरी एक व्यूअर का कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि मैंने थोड़ा सा किया कि क्यों ना थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए। सो थैंक यू सो मच दैट गर्ल जिसने मेरे को कमेंट किया था कि फास्ट पढ़ाते हैं, तो फॉर योर डिमांड मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या प्रोड्यूस मार्केट इक्विलिब्रियम पार्ट टू के बारे में। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पार्ट वन में हम लोग ने क्या देखा था कि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है मार्केट इक्विलिब्रियम से। ये वाला ग्राफ हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो वो वाला आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो उस वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर मार्को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस निकालनी है तो जो उसका डिमांड कर्व बन रहा है या फिर जो उसकी डिमांड बन रही है उसके हिसाब से जो डिमांड कर्व बनेगा, और इसी तरीके से जो उसकी सप्लाई कर्व बन रही है, जो सप्लाई बन रही है उसके हिसाब से सप्लाई कर्व बनेगा, तो जहां पे उसकी डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे स्ट्रक होगी, ओनली दैट विल बी द पॉइंट जहां पे उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस निकलेगी, जहां पे उस कमोडिटी की प्राइस निकलेगी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वाले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे निकाली जाती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और वहां पे हम लोगों ने कुछ ऐसे चेंजेस भी देखे थे कि क्या होगा अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए, तो व्हाट विल बी द चेंज ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या होगा जब डिमांड घट जाए तो प्राइस में क्या चेंज होगा, सप्लाई बढ़ जाए तो क्या चेंज होगा, सप्लाई घट जाए तो क्या चेंज होगा। तो यहां पे इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जब किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई साथ में बढ़ेंगी तो क्या होगा, या फिर साथ में घटेंगी तब क्या होगा। तो थोड़ा सा कठिन वाला देख लेते हैं पहले, जब दोनों डिमांड और सप्लाई कमोडिटी की साथ में पहले घट रही है कि साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड और कमोडिटी की सप्लाई जो है साथ में घट रही है। अब डिमांड और सप्लाई किसी कमोडिटी की साथ में घट रही है तो उसके भी अलग अलग सिचुएशन है कि डिमांड ज्यादा घट सकता है या सप्लाई ज्यादा घट सकता है या दोनों साइड सेम घट सकते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जहां पे किसी कमोडिटी की डिमांड जो है ज्यादा घट रही है और सप्लाई जो है थोड़ी सी घट रही है। जब किसी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा घटेगी और सप्लाई थोड़ी सी घटेगी तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि देख लेते हैं उसके ग्राफ में क्या शो हो रहा है। तो क्या देखी होगी आपने लास्ट वाले वीडियो में वाली चीज कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई घट रही है मार्केट में तो रिजल्ट क्या आएगा, प्राइस बढ़ेगी कमोडिटी की। इस तरीके से डिमांड घट रही है या सप्लाई बढ़ रही है तो रिजल्ट क्या आएगा, प्राइस घटेगी मार्केट में। यहां पे देखते हैं क्या होता है कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा घटे मार्केट में और सप्लाई कम घटे मार्केट में, अगर डिमांड घट रहा है तो पहले डिमांड डीडीए था, अब डिमांड घट रहा है तो पीछे घटेगा, तो नया डिमांड का D1 थोड़ा पीछे बनेगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से सप्लाई घटेगा तो सप्लाई अपवर्ड्स घटेगा, अब सप्लाई अपवर्ड्स घटेगा तो थोड़ा सा जो गैप रहेगा सप्लाई के घटने का वो डिमांड के घटने के गैप से कम रहेगा, कि सप्लाई कितना घटा थोड़ा सा, डिमांड कितना घटा ज्यादा घटा है सप्लाई के घटने से। तो यहां पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट का आया E1 और इससे जुड़ने वाली क्वांटिटी Q1 और इससे जुड़ने वाला प्राइस P1। अल्टीमेटली किसी कमोडिटी की प्राइस घटेगी अगर मार्केट में उस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा घट रही है उसकी सप्लाई के घटने से। तो यहां पे भी हम लोग को क्या बोलता है मार्केट में कि यहां तक अगर इसमें इस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग देखें, अपने नॉर्मल तरीके के हिसाब से देखें कि अगर यहां तक देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई तो दोनों कमोडिटी की साथ में घट रही है, इसके बाद अगर देखें तो अल्टीमेटली कौन घटा, डिमांड घटा कि सप्लाई, डिमांड घटा। और अगर मार्केट में किसी कमोडिटी की डिमांड घट रही है तो मार्केट क्या बोलता था कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या कर दो, कम कर दो। तो यहां पे हम लोग ने क्या कर दी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी डिक्रीज हियर। अगली सिचुएशन देख लेते हैं यहां पे कि क्या होगा मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम घट रहे हैं। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई भाई सेम घट रहे हैं तो अगर इस वाली सिचुएशन के साथ देखा जाए तो कोई नहीं घटा, इधर तक तो दोनों सेम घटे, इसके बाद देखा तो कोई नहीं घटा, मतलब कि अगर कोई घट ही नहीं रहा है तो प्राइस में कोई चेंज होगा क्या भाई, नहीं, प्राइस में यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे,
कि यहां पे हमारा डिमांड कर्व जो घटा है कुछ इस तरीके से घटा है D1 पॉइंट करके, यहां पे हमारा सप्लाई कर्व जो घटा है कुछ इस तरीके से पीछे आया है S1 पॉइंट करके। तो नया पॉइंट कहां आया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे D1 और S1 टकराए। इससे जुड़ने वाली क्वांटिटी जो थी Q1 और प्राइस, तो भैया उसी पॉइंट पे आ रही है। अल्टीमेटली देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम घट रहा है तो प्राइस क्या होगी, नो चेंज होगा प्राइस में। इसी तरीके से तीसरी सिचुएशन देखते हैं, अगर किसी कमोडिटी की मार्केट में डिमांड जो है थोड़ी सी घट रही है और सप्लाई जो है ज्यादा घट रही है, डिमांड घट रही है थोड़ी और सप्लाई ज्यादा घट रही है, तो इसमें अपना अपन पहले से रिजल्ट निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा घट रही, मतलब सप्लाई घट रही है अल्टीमेटली। और अगर मार्केट में सप्लाई घटेगी तो मार्केट क्या बोलता है कि भैया प्राइस बढ़ा दो अपनी कमोडिटी की इस समय पे, क्योंकि आपकी सप्लाई इस समय पे कमोडिटी की कम है और डिमांड क्या है ज्यादा है। तो देखते हैं कैसे सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में ग्राफिकली, कि अगर डिमांड घट रही है तो डिमांड क्या कैसे घटाना है, थोड़ी सी घटाना है, तो नया डिमांड पॉइंट D1, सप्लाई हमें ज्यादा घटाना है तो नया सप्लाई पॉइंट S1, तो S1 यहां पे D1 ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 रहेगा, इससे जुड़ने वाली क्वांटिटी Q1 और यहां पे आ जाएगा P1। अल्टीमेटली प्राइस क्या रहेगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज हियर। कि यहां पे डिमांड के कम घटने और सप्लाई के ज्यादा घटने की वजह से हो क्या रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ रही है। तो यहां पे हम लोग ने क्या देखा, साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। कि जहां पे डिमांड किसी कमोडिटी की और सप्लाई किसी कमोडिटी की साथ में घट रहे हैं, ये वाले ग्राफ्स थोड़े से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ना ये वाले ग्राफ्स आपके चैप्टर में आ सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई जब साथ में बढ़े, जब साथ में बढ़ेगी तो कुछ इस तरीके से शो करेगी। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं जब किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई साथ में बढ़ रही है, तो पहली सिचुएशन कुछ इस तरीके की, जहां पर डिमांड किसी कमोडिटी की ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई उस कमोडिटी की कम बढ़ रही है। भाई इधर देखा क्या हम लोगों ने कि डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, दोनों बढ़ेंगे, पर उसके बढ़ने की तीन अलग अलग सिचुएशन जब डिमांड और सप्लाई साथ में बढ़ेगी। तो पहली सिचुएशन क्या है कि जहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, तो जब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, तो इंक्रीज इन डिमांड का जो गैप रहेगा इंक्रीज इन सप्लाई से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। की बात करते हैं, अभी तक हमारा डिमांड क्या था, डिमांड का क्या था, 80। अब हमारा नया डिमांड का क्या हो गया, D1। तो गैप कितना है डिमांड कितने बढ़ने के बीच में, कितना असर बोल सकते हैं दोनों के साथ। की बात करते हैं यहाँ पे हम सप्लाई इंक्रीज करना है, तो सप्लाई पहले क्या था SS, अब नया सप्लाई क्या हो गया S1। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर सप्लाई का इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई का गैप जो है कितना था, थोड़ा सा ही है। मतलब कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप जो है डिमांड के गैप से काफी कम है, मतलब यहाँ पे सप्लाई थोड़ा बढ़ रहा है और डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। अब उस हिसाब से हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E1, और E1 से जुड़ने वाला जो नया पॉइंट था Q1 और प्राइस था P1। अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा बढ़ती है मार्केट में सप्लाई से, तो होगा क्या कि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मार्केट का रूल क्या बोलता था, कि अगर मार्केट में किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई घटेगी, डिमांड बढ़े या सप्लाई घटे, तो मार्केट में क्या होगा, किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, घटेगी। और दूसरा क्या बताया था मार्केट ने, डिमांड अगर घट रही है किसी कमोडिटी की, सप्लाई बढ़ रही है, तो क्या होगी, प्राइस घटेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड ज्यादा बढ़ी, कि अगर यहाँ तक देखा जाए इस वाली लेवल तक, तो डिमांड और सप्लाई तो देखिए दोनों सेम बढ़े थे, बाकी अल्टीमेटली इसके बाद देखेंगे तो कौन बढ़ा, इसके बाद अगर देख रहे हैं तो कौन बढ़ा, डिमांड बढ़ा। मतलब डिमांड यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब इस वाली सिचुएशन में हमारा क्या होगा, प्राइस बढ़ा, मतलब यहाँ पर प्राइस P से P1 हो गया। अब इसी तरीके से बात करते हैं इंस्टीट्यूशन में, जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों सेम बढ़े, कि डिमांड भी उतना ही बढ़ा और सप्लाई भी उतना ही बढ़ा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम बढ़ रहे हैं, इक्वली बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए इसके हिसाब से, कि यहाँ पे
तो देखा जाए कि यहां तक तो दोनों सेम बड़े, मतलब इसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो कौन बड़ा, कोई नहीं बड़ा। तो कोई नहीं बढ़ा तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो रहा था तो प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे तो कोई नहीं ज्यादा होगा तो प्राइस में क्या आएगा, नो चेंज। कि कैसे देखते हैं, जहां पे हमारा डिमांड का क्या था पहले डीडी, अब नया डिमांड का डी1, मतलब कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, एक पैन के बराबर। कि यहाँ पे देखते हैं दूसरा सप्लाई SS था, नया सप्लाई S1, यहाँ पे भी गैप क्या है, सेम एक पैन के बराबर। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा E1, उससे जुड़ने वाली क्वांटिटी आएगी Q1, और यहाँ पे हमारा प्राइस में जो रहेगा नो चेंज रहेगा। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई दोनों मार्केट में इक्वली बढ़ रही है तो। बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, जब किसी कमोडिटी की सप्लाई जो है मार्केट में डिमांड से ज्यादा बढ़ रही है। कि अगर मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई जो है डिमांड के रेट से ज्यादा बढ़ रही है, अगर डिमांड के रेट से सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। कि यहाँ पे डिमांड डीडी कर था, नया डिमांड का डी1 हो गया, तो गैप देखो न्यू डिमांड का ओल्ड डिमांड का बीच में थोड़ा सा है। इस तरीके से नया सप्लाई का ओल्ड सप्लाई का बीच में गैप देखो तो वो ज्यादा है, मतलब कि हियर द रेट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अल्टीमेटली होगा क्या कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा E1, नया क्वांटिटी Q1, नया प्राइस P1, मतलब कि कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है, हमें घट रही है। कमोडिटी की प्राइस क्यों घट रही है, कि उस हिसाब से अपने रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहां तक तो कोई नहीं बढ़ा, क्योंकि यहां तक तो बढ़े साथ में बढ़े, अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ रहा है। इसके बाद देखा जाए और सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में तो क्या होगा, किसी कमोडिटी की प्राइस घटेगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, इस वीडियो के लिए भी आपका शुक्रिया है, और इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस पाने के लिए। और इसके मैं अगले वीडियो में क्या देने वाला हूं, अभी से बता दे रहा हूं कि इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि क्या होता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। तो उसको देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और वो घंटे वाला बटन प्लीज क्लिक करना मत भूलिएगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जस्ट एक दो दिन में कि क्या है प्राइस सीलिंग और क्या है प्राइस फ्लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्प्रेड द नॉलेज।